हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सोनबीर सिंह डिफेंस एकेडमी देहरादून में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सेशन है बेटा, ये हमारा एनडीए के लिए है। और हाँ, ठीक है ना, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और लाइक कोस्ट गार्ड। तो एक चैप्टर रहता है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का रहता है, ठीक है ना, जिसमें एनडीए में तो 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जैसे कॉन्सेप्ट के साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और अगर मैं इसके पीडीएफ की बात करूं बेटा, इसकी पीडीएफ की बात करूं, तो इसका पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और बेटा, जो हमारा कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर है, तो वो आप ये 7060765219, ठीक है, ये हमारा कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई डाउट है तो इसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। एक बार मैं इसे रीचेक कर देता हूँ। फाइव टू वन नाइन, ठीक है, 5219, ठीक है, तो ये रहेगा। चलो, इस पे आप व्हाट्सएप या कॉल कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं बेटा सीक्वेंस की और सीरीज की, ठीक है ना। बात करते हैं सीक्वेंस और सीरीज की। कल की क्लास में मेरे सिरों मैंने आपको बताया था बेटा, जब कल जो कहानी चल रही थी, तो कल की कहानी ऐसे चल रही थी कुछ। कल मैंने ये बताया था, अगर ये कोई सीरीज है, क्या बेटा, अगर ये कोई सीरीज है, ठीक है ना, अगर ये कोई सीरीज है, ठीक है, इसमें मैंने नंबर दे दिए। मैंने कहा बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है ना, क्या 13, 13 14 और 15, लाइक कोई सीरीज है बेटा, 1 से लेकर 15 तक नंबर है। तो मैं आपको अगर ऐसे बोलूं कि बेटा ये बताओ, इसमें ऐसे कितने नंबर हैं जो जो 3 से डिवाइड हो जाए और 5 से डिवाइड हो जाए। 1 से लेकर 15 तक ऐसे कितने नंबर हैं, कितनी संख्या हैं कि जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए। तो आप पता है क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर एक 3 से, एक तो 3 ही हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा 3 से, एक 9 हो जाएगा 3 से, एक 12 हो जाएगा 3 से, और एक 15 हो जाएगा। यानी कि सर आप ये कहेंगे बेटा कि बेसिकली सर यहाँ पे एन डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, तो वो नंबर कितने बेटा, 2 और 3 5, कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं। बात समझ में आई? ऐसे बेटा मैं कहूँ एन डिविजिबल बाई, क्या, एन डिविजिबल बाई 5, तो वो कितने नंबर है कि 5 से देख लेते हैं माय डियर। ये सर 5 से कैसे देखोगे, तो 5 से, एक तो 5 ही हो जाएगा बेटा, एक तो ये हो जाएगा 5, 5 से 10 हो जाएगा और 5 से 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15। तो सर ऐसे नंबर कितने हैं बेटा, ऐसे नंबर है 3, ऐसे नंबर कितने, 3 है। मैं कहूँ बेटा टोटल नंबर कितने हो गए, 5 और 3 8, और यहाँ पे टोटल नंबर कितने हो गए बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। भाई ऐसा तो नहीं है कि बेटा सीरीज चल रही है और कि सर सीरीज में 15 2 बार आएगा, है ना, 15 तो एक ही बार आएगा ना। तो यानी कि 15, यानी कि कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 3 और 5 दोनों के एलसीएम से भी डिवाइड हो रहेंगे। बोले तो 3 और 5 से डिवाइड हो रहेंगे। अगर 3 और 5 यानी कि इनके एलसीएम से डिवाइड हो जाएंगे बेटा, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा, और 15 से 15 डिवाइड हो जाएगा। एक तो वो होंगे, ये 3 हो गया तो 3 से भी डिवाइड हो रहे होंगे, एक ये 5 हो गया, 5 से भी डिवाइड हो रहेंगे, और कुछ नंबर ऐसे होंगे इन दोनों से डिवाइड हो रहे होंगे, इन दोनों से डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो उन नंबरों को हम अलग हटा देते हैं, तो आप समझिए उन नंबरों को अलग हटाएंगे तो क्या बेटा, ये 5 और 3 8 हो गया, तो 8 में से 1 कम कर देंगे तो 7 नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ काउंट करोगे तो ये 7 ही नंबर होंगे। कौन कौन से हैं बेटा 7, ये चीज और देख लो आप एक बार कि सर 7, एक तो ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 नंबर हो गए। कितने हो गए बेटा, 7 नंबर। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बड़े, ठीक है ना, बड़े अमाउंट पे आएगा, तो कैसे पूछेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कैसे सॉल्व करना है, तो वो चीज देखेंगे। तो मैंने कहा बेटा यही सीरीज है आपकी, क्या है, यही सीरीज लेते हैं हम, कोई अलग से नई नहीं ले रहे हम, ठीक है ना, यही सीरीज लेते हैं, यही सीरीज लेते हैं।
और इसी को हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? इसी को हम क्वेश्चन बनाते हैं, इसी को हम क्वेश्चन बनाते हैं। मैं कहूँ बेटा फ्रॉम 1 to 15 क्वेश्चन बनाते हैं हम इसी को, और मैं कहूँ आपसे फ्रॉम 1 to 15 एक से 15 तक हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर विच डिविजिबल बाई कितना बेटा? 3 और 5 रखा ना, 3 और 5, और वो सीरीज में नंबर में यहां लिख देता हूं। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, जब हमने ऊपर लिख लिया तो यहां मेंशन करने की जरूरत नहीं है, समझे बेटा? जरूरत नहीं है, ये सीरीज होगी, ठीक है ना, ये सीरीज होगी। अब बताओ क्या आपने कहा सर वो ऐसे नंबर 7 हैं, कितने बेटा? ऐसे नंबर सर 7 हैं, कितने? 7, ये बात पहले से ही पता है। अगर मेरे शेर में आपसे ये कहूं बेटा 15 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो कितने नंबर आते हैं? 5। ऐसे 15 को बेटा 5 से डिवाइड करते हो तो कितने आते हैं? 3। तो ये 5 और 3 कितने आ गए बेटा? 8 आ गए। और एक 15 ऐसा नंबर था जो 3 से भी डिवाइड हो रहा था, 5 से भी, तो एक माइनस कर दो तो ये कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे, ठीक है? कितने आ जाएंगे बेटा? 7 आ जाएंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये तो हमने प्रैक्टिकली चीजों को समझा के कैसे होती है, लेकिन अब टेक्निकली देखते हैं बेटा। ये चीज आपने बचपन में जरूर पढ़ी होगी ना, बचपन इन द सेंस, बचपन इन द सेंस, इसमें देखो बेटा कि एन ए यूनियन बी, एन ए जमा एन बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज आपने जरूर बचपन में पढ़ी होगी, ये चीज आपने बचपन में जरूर पढ़ी होगी, ठीक है ना, ये चीज आपने बचपन में जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। इसी की तर्ज पर इस क्वेश्चन को करते हैं, तो बेटा बड़े से बड़े क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। कैसे सर? एन 3 यूनियन हो जाएगा बेटा 5 बराबर 3, एन एन हो जाएगा बेटा, ये एन हो जाएगा 3 प्लस के एन हो जाएगा ये 5 माइनस के एन 3 इंटरसेक्शन 5, ये चीज हो, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने कहा एक होता है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, मैंने बताया था बाद में आपको कल की क्लास में, तो अब आप इसे डायरेक्ट ही सॉल्व करो। लास्ट नंबर कितना है बेटा? 15, 15 को 3 से डिवाइड करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू को बंद कर दो। लास्ट नंबर कितना है? 15 को 5 से डिवाइड कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बंद कर दो। लास्ट नंबर कितना है बेटा? 15, और 15 को 5 और 3 के एलसीएम से डिवाइड करो, कितना? ठीक है, तो इसे 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो यहां ध्यान रखेंगे बेटा एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या रहेगा? ए एंड बी, यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा? ए एंड बी रहेगा, और ए बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15, तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इसे बंद कर दो। तो इसे सॉल्व करो, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं आगे। ठीक है भाई, यहां तक की कहानी समझ में आ गई ना? तो देखो, तो मैं ये बेसिक क्वेश्चन दिया मैंने आपको ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो वैल्यू होगी, जैसे 3.5 है तो वो 3 निकल गया बेटा, और ये चीज मैंने कल की क्लास में आपको अच्छे से समझाई है, ठीक है ना, अच्छे से समझाई है। तो ये कितना आ जाएगी बेटा? 5 आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 1 5 3 8 हो जाएगा माइनस के 1, तो देन यू विल गेट 7 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने एक जनरल क्वेश्चन आपको दिया जो आपको समझने में आसानी रहे, ये क्वेश्चन इसलिए समझाने के लिए माय डियर मैंने आपको दिया है। तो मेरे बब्बर से रो, आपको अब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया एनडीए में जो पूछा गया, उस क्वेश्चन से अब आपको मैं रूबरू कराता हूँ, ठीक है? क्या आप तैयार हो इस चीज के लिए? हाँ सर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो बेटा क्वेश्चन ये है बेटा,
ये एनडीए में आपका क्वेश्चन आया बेटा, एनडीए में क्वेश्चन आया तो यहाँ देखेंगे, एनडीए का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। फ्रॉम वन टू थाउजेंड हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, क्या बेटा वो कह रहा है, एक से लेकर 1000 तक ऐसे कितने नंबर हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 2, 3 और 5 ऑफ 2 और 3 और 5। कि सर अभी तो आप ये बोल रहे थे कि विच आर डिविजिबल ऑफ 2, 3 और 5, अब आपने मल्टीपल बोल दिया। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। एक बात बताओ मेरे राजा, अगर ये कोई सीरीज है बेटा, क्या है, अगर ये कुछ है सीरीज, कि क्या ऐसा सीरीज, सीरीज ये है बेटा, यहाँ पर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सीरीज है। मैं कहूँ बेटा इसमें ये बताओ ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हों और 5 से डिविजिबल। ठीक है, ठीक है सर बता देंगे। अगर मैं ऐसे कहूँ बेटा ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से 2 का मल्टीपल हों और 5 का मल्टीपल हों। पहले 2 से डिविजिबल देख लेते हैं बेटा, n और डिविजिबल बाई टू। तो ये कितने नंबर हैं सर, 1, 2, 3, 4, 9 रह गया ना यहाँ पे। अरे चलो 9 लिख देते हैं, 9 रह गया। ठीक है हाँ, तो कितना मैं 2 से देख रहा था, 1, 2, 3, 4 और 1 5 क्या सर, 5 नंबर। ऐसे मैं कहूँ बेटा n डिविजिबल बाई 5, तो 5 से 1 5 होगा 1 10 होगा, तो 2 ये हो गए बेटा, 1 5 होगा 1 10 होगा 2 ये हो गए। बात समझ में आई? तो मेरे से बब्बर शेरो मैं आपसे एक वीक तो कह सकता हूं बेटा इनके डिविजिबल की जगह में मल्टीपल लिख दूं, कोई दिक्कत है आपको? बोलो बे, मल्टीपल लिख दूं मैं, कोई दिक्कत है क्या? एक बात बताओ बेटा, जो इसके नंबर निकल के आए, इसके जो नंबर निकल के आए, पहले समझ लो क्वेश्चन, बातें कर लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 ये जो नंबर निकल के आए, क्या बेटा ये 2 के मल्टीपल नहीं है? अगर 2 के मल्टीपल नहीं होते तो क्या 2 से डिवाइड होते हैं? बात तो वही आ गई ना बेटा, चाहे वो मल्टीपल के चाहे डिविजिबल बोले, क्योंकि बेटा अगर ये 2 का मल्टीपल नहीं होता तो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है ना। तो क्वेश्चन में वो यही तो बोल रहा है कि भैया ये बताओ ऐसे कितने नंबर हैं 1 से लेकर 1000 तक जो 2 और 5 के मल्टीपल हैं, 2, 3, 5 के जो भी बोला है, ठीक है ना। अगर ये बेटा मल्टीपल ना होते तो कभी भी डिविजिबल नहीं होते, तो वो वर्ड चेंज कर सकता है, जहां डिविजिबल लिखता है वहां पे क्या रख सकता है बेटा, मल्टीपल रख सकता है। तो आई ये उम्मीद में ये करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बैक टू पवेलियन बेटा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। वो कह रहा है फ्रॉम 1 to 1000 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 3 और 5। है समझ में आ गई? क्वेश्चन को रटना नहीं है ना, क्वेश्चन रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कह क्या रहा है। थोड़ा सा मान लो उसने क्वेश्चन घुमा दिया, फिर आप भी घूम जाओगे, ठीक है ना। जब कॉन्सेप्ट को समझ के चलोगे, क्वेश्चन को कितना भी घुमा ले तो वो आपको नहीं घुमा सकता है। गेट इट एवरीवन? ओके चलिए अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। लगा